सुप्रभातम सर्वे छात्राः। सुप्रभातम सर्वे छात्राः। हाँ, सबको सुप्रभातम। सुप्रभातम सर्वे छात्रः। सुप्रभातम। बच्चों अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो पहले, जिसका माइक्रोफोन खुला है। आज हम लोग कर्ता और क्रिया की आवृत्ति पढ़ेंगे, व्याकरण और पंचवाक्यानि लिखत। चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखत। कर्ता अनुसार क्रिया आवृत्ति पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले कर्ता हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान देना बच्चों, कर्ता तुम लोग सातवीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो। संस्कृत में कर्ता प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष का कर्ता होता है। तो प्रथम पुरुष का कर्ता जो होता है वो अनंत होता है। मध्यम पुरुष का कर्ता केवल तीन होता है और उत्तम पुरुष का कर्ता भी तीन होता है। अब प्रथम पुरुष का कर्ता सह तव ते, ये हो गया पुल्लिंग में। सा ते ता स्त्रीलिंग में और तत् ते तानि नपुंसक लिंग में। वह के लिए है ये। वह सह माने वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब, और सा माने वह स्त्रीलिंग, ते माने वे दोनों और ता माने वे सब। जो भी हम लोग शब्द रूपानी प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं, किसी भी शब्द का शब्द रूपानी प्रथमा विभक्ति में जो भी लिखते हैं, अस्मद् और युष्मद् को छोड़ के, अस्मद् और युष्मद् को छोड़ के, अस्मद् में लिखते हैं अहम, प्रथमा विभक्ति में अहम अवाम वयम, तो वो उत्तम पुरुष का कर्ता हो जाता है। और युष्मद् में लिखते हैं त्वम इवाम यूयम, प्रथमा विभक्ति में लिखते हो तो वो मध्यम पुरुष का कर्ता हो जाता है। प्रथम पुरुष का कर्ता अनंत है, मध्यम पुरुष का कर्ता केवल तीन है और उत्तम पुरुष का कर्ता भी तीन है। यथा जैसे लिखे हम लोग छात्र, छात्र, छात्रा, प्रथमा विभक्ति में शब्द रूपानी लिखते हैं तो प्रथमा विभक्ति में रूप लिखते हैं बालक, बालको, बालका, गज, गजो, गजा, फलम, फले, फलानी। जितना ये सब रूप लिखते हैं हम, ये सब लिखते हैं प्रथमा विभक्ति में। लेकिन जब हम कर्ता में इसको बदलेंगे तो ये प्रथमा विभक्ति वाला जो भी रूप होगा वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो जाएगा। प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। अब मानो प्रथम पुरुष के साथ कर्ता हो गया ये छात्र, छात्रो, छात्रा, सह तौ ते, सा ते ता, ये सब प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया जब हम इसको कर्ता के रूप में परिवर्तित कर दिए। तो अब जिस प्रकार से कर्ता होगा उसी के अनुसार हम क्रिया की आवृत्ति करेंगे। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। अब कर्ता मान लो है बालक, तो हम प्रथम पुरुष एक वचन में बालक को लिखे बालक, तो बालक के साथ क्रिया का प्रयोग किए बालक पठती, बालक पढ़ता है। अब छात्रों लिखे द्विवचन में होता है छात्रों, ये भी प्रथम पुरुष का कर्ता होगा क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति में रूप लिखे हैं तो ये कर्ता में जब इसको हम बदले तो ये प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। प्रथमा विभक्ति में जो भी रूप होता है अस्मद् और युष्मद् को छोड़ के वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया। अब छात्रों के साथ हम छात्रों, प्रथम पुरुष एक द्विवचन का है तो हम छात्रों के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन का ही कर्ता का प्रयोग कर क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रिया हो गया हमारा पठता, दो छात्र पढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं फलानी, फलानी प्रथम पुरुष का कर्ता हो गया बहुवचन में फलानी पतंती। अब क्रिया है पत धातु रूपानी का,
लट लकार में पतति पतता पतंती, चूंकि फलानी बहुवचन है, बहुवचन का कर्ता है तो क्रिया भी बहुवचन का होगा, फलानी पतंती। तो हमको ये देखना होता है कि प्रथम पुरुष का है एक वचन का है अगर कर्ता, तो प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा। अब मध्यम पुरुष की पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष के केवल तीन कर्ता होते हैं, त्वम इवाम यूयम। त्वम माने तुम, इवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। अब तुम पढ़ते हो, त्वम पठसी, तुम दोनों खेलते हो, त्वम इवाम खेलसी, तुम इवाम खेलथा, तुम दोनों खेलते हो, युवाम खेलथा, तुम सब जाते हो, तुम सब जाते हो, तो यूयम गच्छत, यूयम गच्छत। तो यहाँ मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष का यदि एक वचन है तो उसके साथ एक वचन का क्रिया, अगर द्विवचन है तो द्विवचन का क्रिया, यदि बहुवचन है तो उसके साथ बहुवचन का क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार का कर्ता है उसी प्रकार का क्रिया का प्रयोग करेंगे। उत्तम पुरुष में तीन ही कर्ता होता है, अहम अवाम वयम। अहम अवाम वयम, अब अहम माने होता है मैं, अवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अहम माने मैं, अब मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, अवाम गच्छामी, अहम गच्छामी, मैं जाता हूँ, अहम गच्छामी, हम दोनों जाते हैं, अवाम गच्छावा, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामा। तो जिस प्रकार का कर्ता होता है उसी प्रकार का हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते, तुम्हारे परीक्षा में आता है हिंदी में वाक्य रहता है उसको संस्कृत में परिवर्तित करना होता है। संस्कृत भाषायाम वाक्यम लिखत, संस्कृत भाषा में वाक्य को लिखो। हिंदी में दिया रहता है विभक्ति के अनुसार होगा, उसको संस्कृत में लिखना होगा। अब मैं हिंदी में वाक्य बोल रही हूँ, राकेश का भाई, राकेश का भाई पढ़ने में अच्छा है। ये वाक्य है, राकेश का भाई पढ़ने में अच्छा है। अब यहाँ हमको देखना होगा राकेश का भाई, पहले देखना होगा किस, ये राकेश किस विभक्ति में है। राकेश का के की आ गया तो यहाँ षष्ठी विभक्ति में। तो कोई भी बच्चा बताओ इसका वाक्य क्या बनाओगे, संस्कृत में क्या करोगे? राकेश का भाई पढ़ने में अच्छा है। कोई भी बच्चा इसको संस्कृत में इसको बना सकते हो? संस्कृत में बनाओ। राकेश भ्राता भ्रातृ सकुशल। नहीं, एकदम गलत है वाक्य। दीक्षा तुम बना रही थी, बनाओ। राकेश हाँ, भ्रातृ पठनेन कुशलः अस्ति। अब यहाँ राकेशस्य पठनेन कुशलः। पठने, पठने नहीं होगा बेटा, पढ़ने, पढ़ने में सप्तमी विभक्ति एक वचन, पठने। राकेशस्य भ्रातः पठने कुशलः अस्ति, राकेश का भाई पढ़ने में अच्छा है। राकेशस्य भ्रातः पठने कुशलः अस्ति। मैं खेलने में अच्छा हूं, मैं खेलने में अच्छा हूं। अहम् क्रीडाय कुशलः अस्ति। मैं खेलने में अच्छा हूं। मैं का संस्कृत क्या हो गया? अहम्। खेलने में सप्तमी विभक्ति एक वचन,
क्रीडने कुशलः आसि। ठीक है, जब भी वाक्य आएगा उसको अच्छे से पढ़ना है और उसका संस्कृत बनाना है। सूरज उगता है, सूरज उगता है, सूरज उगता है, कोई भी बच्चा बना सकता है बेटा। सूरज उगता है, सूरज सूर्य उदयति, सूरज उगता है उदयति। परीक्षा में आएगा बेटा, जो भी आता है वाक्य बनाने के लिए आता है, और ये कर्ता और क्रिया की आवृत्ति अच्छे से याद होगा तो तुम लोग चित्र वर्णनम भी कर लोगे। 5 नंबर का आता है चित्रम दृष्टवा पंच वाक्यानि लिखत, वो उसमें भी कर्ता और क्रिया की आवृत्ति होनी चाहिए। सही सही, कर्ता के अनुसार यदि क्रिया की आवृत्ति होगा तभी पूरा नंबर मिलेगा। तो जो भी वाक्य होगा उसको हमको कर्ता और क्रिया के अनुसार करना होगा। अभी मैं छोटे छोटे वाक्य बोल रही हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनना है और उसको संस्कृत में बनाना है। मैं कलम से लिखती हूँ। दीक्षा उत्तर नहीं दे, दीक्षा उत्तर नहीं देगी, दीक्षा के अतिरिक्त कोई बच्चा देगा। मैं कलम से लिखती हूँ। अंशिका बेटा, अहम कलम लिखिष्यति। नहीं, अंशिका से मैं पूछ रही हूँ, अंशिका तुम उत्तर दो। मैम अहम कलमस्य, पहले मुझे अंशिका नहीं, एक मिनट अंशिका, मुझे तुम पहले ये बताओ। yes, मैं कलम से लिखती हूँ, मैं का संस्कृत क्या होगा? अहम। ठीक है, कलम से लिखती हूँ, इसमें पहले ये बताओ कलम से में कौन सा विभक्ति है? कलम से सप्तम, कलम से जिससे जिससे पूछ रही हूँ अभी मैं, अंशिका से पूछ रही हूँ तो अंशिका ही उत्तर देगी, बीच में नहीं तो बेटा को मौका मिलेगा। कौन सा विभक्ति हुआ? तृतीय विभक्ति। अब मैं कलम से लिखती हूँ, अब कलम से लिखती हूँ यानी कि कलम मेरे हाथ में है, मेरे द्वारा चल रहा है। कलम मेरे हाथ में है, मेरे द्वारा चल रहा है यानी कि वो मेरे साथ साथ चल रहा है, मैं उसको लिख रही हूँ, तो इसमें तृतीय विभक्ति हो गया, से पहचान चिन्ह हो गया और तृतीय विभक्ति हो गया के द्वारा। तो तृतीय विभक्ति में अब कलम से का क्या संस्कृत होगा? कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अंशिका भी बोलेगी, उत्तर देगी। कलम से का क्या संस्कृत होगा? अहम कलमस्य बेटा, कलम अहम कलमस्य लिखती, तो तुम बोल रही हो बेटा, अब यहाँ पूरी तरह गलत हो गया। कलमस्य षष्ठी विभक्ति में हो गया ना, कलम का के की, और लिखती हूँ अहम करता है। पहले ये बताओ अहम किस पुरुष किस का करता है, किस वचन किस पुरुष का? अहम प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। नो मैम, एक मिनट, कौन सा पुरुष था मैम, भूल गए। उत्तम पुरुष एक वचन, एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन है। तो जब अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो अभी मैं तुम लोग को पढ़ा रही थी तो बोली हूँ कि कर्ता के अनुसार क्रिया, अगर कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हमको उत्तम पुरुष एक वचन का लिखना है। तो अभी हमको बताओ इसके साथ क्रिया क्या होगा अहम के साथ? हम कलम, पहले सिर्फ हमको क्रिया बताओ, अहम के साथ क्या क्रिया लिखोगी? चलो, अच्छा संचिता तुम उत्तर दो। मैम क्या,
मैं कलम से लिखती हूँ, अहम के साथ क्या क्रिया बताओगी? क्रिया बताओ पहले, उसके बाद फिर हमको सेंटेंस का संस्कृत बताना। मैम अहम जो है वो उत्तम पुरुष एकवचनम में आता है, हाँ और फिर कलम से लिखती हूँ यानी तृतीया विभक्ति एकवचन, हाँ और फिर द्वितीय विभक्ति। तृतीया विभक्ति, द्वितीया नहीं तृतीया, हाँ ठीक है। फिर लिखती हूँ का क्या संस्कृत होगा? लिखामी। लिखामी। अब वाक्य पूरा बनाओ संस्कृत में इसको। अहम कलमेन लिखामी। हाँ अति शोभनम, अब एकदम सही। अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखती हूँ। सारे बच्चे पहले कर्ता और क्रिया की आवृत्ति कॉपी में नोट करो तुरंत, ताकि ये गलती ना हो। अंशिका, यस अंशिका मैम, देखो बेटा, वो यस कर्ता सारा अभी मैं बोल रही हूँ, कर्ता और क्रिया नोट करो एक धातु के साथ, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। पहले लिखो प्रथम पुरुष का कर्ता, सह तौ ते, नोट हो गया। अब मध्यम पुरुष का कर्ता लिखो, त्वम इवाम यूयम, त्वम इवाम यूयम। उसके बाद अब उत्तम पुरुष का कर्ता है अहम अवाम वयम, अहम अवाम वयम। अब प्रथम पुरुष का कर्ता के आगे और भी दूसरा कर्ता लिख लो, छात्र छात्रो छात्रा, बालक बालको बालका, गज गजो गजा, फलम फले फलानी, एतत एते एतान। प्रथम पुरुष के कर्ता अनंत है, ये दर्शाने के लिए लिख लो। बहुत सारे कर्ता हो जाते हैं अनंत, जो भी हम सब सर्वनाम अरे संज्ञा सर्वनाम शब्द रूपानि लिखते हैं, वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो जाता है, ठीक है। अब मध्यम पुरुष, अब सबका अर्थ लिख लो। सह माने होता है वह, तौ तो माने वे दोनों, और ते माने वे सब। त्वम माने तुम, इवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। हो गया। अब सह तौ ते जहां लिखे हो वहां लिखो, सह के बगल में पठती, तौ के बगल में पठतः, ते के बगल में पठंती, त्वम के बगल में पठसी, इवाम के बगल में पठथ, यूयम के बगल में पठत, अहम के साथ पठामी, आवाम के साथ पठावह, वयम के साथ पठामा। अब सारे बच्चे इतना काम कर लिए हैं तो मैसेज बॉक्स में टाइप करके बोलो, लिखो। जितना भी मैं बताई हूँ, सारे बच्चे अगर इतना लिख लिए हैं तो मैसेज बॉक्स में तुरंत टाइप करो, तब मैं आगे पूछना शुरू करूं। अभी मैं सिर्फ लट लकार में, जिस प्रकार लट लकार के क्रिया के साथ हम प्रयोग करते हैं कर्ता का, उसी तरह लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार विधि लिंग के साथ होता है। सेम हो जाएगा, कर्ता वही रहेगा, क्रिया बदलता रहेगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ लट लकार में बोलूंगी छोटे छोटे वाक्य। पेड़ से विभक्ति कारक चिन्ह भी नोट कर लो, ताकि तुम लोग को कर्ता ने तुरंत नोट करो, कर्ता ने कर्म को, करण से के द्वारा, करण से रहता है लेकिन उसके साथ चलता रहता है तृतीया विभक्ति। संप्रदान का संप्रदान को के लिए, अपदान से अलगाव के अर्थ में, अपदान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री,
संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे। ये कारक चिन्ह है बेटा, कारक चिन्ह के को याद रखोगे तुम लोग तभी तुम लोग तुरंत उस विभक्ति में बदल लोगे। अब कर्ता कारक के साथ प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक के साथ द्वितीया विभक्ति, करण कारक के साथ तृतीया विभक्ति, संप्रदान के साथ चतुर्थी, अपदान के साथ पंचमी, संबंध के साथ षष्ठी, अधिकरण के साथ सप्तमी, संबोधन के साथ संबोधन विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कारक चिन्ह का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब तक हमको कारक चिन्ह नहीं पता होगा, हम पता ही नहीं चल पाएगा कि हमको उसको किस विभक्ति में कन्वर्ट करना है, बदलना है। अभी मैं छोटा वाक्य बोलूंगी, जिससे पूछूंगी कृपया वही उत्तर देगा। सारे बच्चे नहीं देंगे, सारे बच्चे नोट जरूर वाक्य करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, लेकिन जिससे पूछूंगी वही उत्तर देगा। पेड़ से, मेरा वाक्य ध्यान पूर्वक सुनना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। शिवम कुमार वैश्य, शिवम पेड़ से यस मैम। पत्ते गिरते हैं। शिवा हमको ये बताओ बेटा, ये पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पहले ये बता कि इसमें कौन सा विभक्ति होगा और तब वाक्य बनाना। मैम पंचमी विभक्ति। हाँ, पंचमी, पेड़ से पत्ते गिरते, यानी कि अलगाव अर्थ है पंचमी विभक्ति प्रयुक्तम कुर्वन्तु। तो ठीक है, अब वाक्य बनाओ। विच्छाद पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् पत्राणि परन्ति यदि शोभनम्। ठीक है, बहुत अच्छा। रमेश कक्षा से बाहर जाता है, रमेश कक्षा से बाहर जाता है। अक्षत है, यस मैम। अक्षत, इसका उत्तर दो मुझे संस्कृत में। रमेश कक्षा से, पहले ये बताओगे कौन सा विभक्ति है, फिर वाक्य बनाओगे। रमेश कक्षा से बाहर जाता है। पंचमी विभक्ति। हाँ ठीक है, पंचमी विभक्ति में वाक्य है रमेश कक्षा से बाहर जाता है, तो अब इसका संस्कृत में कन्वर्ट करो। रमेश कक्षा से बाहर जाता है, इतना समय क्यों लग रहा है अक्षत, इतना समय क्यों लग रहा है बेटा? हाँ यस मैम। अतुल, मैम नहीं समझ आ रहा। यस अतुल मैम। तुम मैम बनाओ। पहले बताओ। अभी रुक, दीक्षा अतुल से पूछ ले, अतुल नहीं बताएगा सही, तुम उत्तर देना। हाँ रमेश कक्षात बहिः गच्छति। रमेश, हाँ रमेशा क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया रमेशा, और कक्षा से बाहर तो बही हो गई पंचमी विभक्ति, कक्षा से बाहर तो कक्षात बही, और रमेशा करता है प्रथम पुरुष एकवचन का, तो उसके अनुसार गच्छति, रमेशा कक्षात बहि गच्छति। अति शोभनम अतुल, एकदम सही उत्तर दिए हो। अभी दीक्षा तुम्हारे लिए प्रश्न कर रही हूं, तुम उत्तर दोगी। पेड़ के ऊपर, 1 मिनट, पहले अक्षत क्या दिक्कत हो गया था, क्यों नहीं इसका वाक्य बना पाए? मैम समझ नहीं आ रहा था कैसे चेंज करें विभक्ति। क्यों नहीं समझ में आ रहा था? अभी सारा विभक्ति कारक चिन्ह बताई हूं, रमेशा का रमेश हो जाएगा, रमेश कक्षा से बाहर,
कक्षा से का संस्कृत कक्षात हो जाएगा, बही का संस्कृत अव्यय पदानी है, बही तो क्या हो जाएगा, बही का बाहर का बही हो जाएगा। और वाक्य सुनना है, उसको नोट करना है, फिर उत्तर देना है। जितना मैं वाक्य कराती जा रही हूँ, सारे बच्चे क्लास सही उत्तर निकल के आ जाता है, तो क्लास वर्क कॉपी में लिखते जाना। दीक्षा तुमसे पूछ रही हूँ, उत्तर देना। पेड़ के ऊपर पक्षियां बैठ पेड़ के ऊपर पक्षियां बैठे हैं, पेड़ के ऊपर पक्षियां बैठे हैं। वृक्षस्य उपरि हवा तिष्ठन्ति। अति शोभनम उत्तर। वृक्षस्य उपरि खगा तिष्ठन्ति, पक्षियां हैं, बहुवचन है, तो कर्ता क्या हो गया हमारा, पक्षी, पक्षियां, तो कर्ता के अनुसार क्रिया में प्रयोग करी हो। बहुत अच्छा उत्तर, सही, एकदम सही उत्तर दी हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कोमल। कोमल, हमारे विद्यालय में, प्रश्न को ध्यान से सुनना है, नोट करना है। हमारे विद्यालय में सुबह में प्रार्थना होता है। हमारे विद्यालय में सुबह में प्रार्थना होता है। हमारे विद्यालय में सुबह में प्रार्थना होता है। हर बच्चा कोशिश करेगा, जब कोमल सही उत्तर नहीं देगी तो दूसरे को मौका मिलेगा। सारे बच्चे इसको नोट करो और कोशिश करो। हमारे विद्यालय में सुबह में प्रार्थना होता है। कोई दूसरा बच्चा बताओ, कोई भी बच्चा मैं बताऊं, बताओ। अस्माकं विद्यालये प्रातः काले प्रार्थना होता है कि नहीं पता? होता है कि नहीं पता बच्चा, होता है का संस्कृत क्या होता, भविष्य भविष्यति, होगा ना, भविष्यति, भवति, होता है का वर्तमान काल है ना, भवति। भवति, हाँ, अस्माकं विद्यालये प्रातः काले प्रार्थनां भवति, हाँ सही है एकदम दीक्षा, सही है दीक्षा का फंडा क्लियर है एकदम। ठीक है, अभी मैं शब्द दे रही हूँ, चार पांच शब्द है, सारी वाक्य रचना करना होगा। चित्र तो अपनी बुक खोल लो, पीछे वाला पेज, सारे बच्चे 8th क्लास वाली बुक को खोल लो, खोल लिए चित्र, मैम पेज नंबर पहला हाँ पेज नंबर है, पहला है चित्र वर्णनम में, पेज नंबर 151, 151, 151, पेज नंबर 151 खोल लिए सारे बच्चे, पेज नंबर 151 खोले, खुल गया, यस मैम। ठीक है। अब उसमें दिया है चित्रम दृष्टवा मंजुषायाम प्रदत्त पदानाम सहायतया अब संस्कृतेन पंच वाक्यानि लिखन्तु। चित्र देख के पांच वाक्य लिखने, मंजूषा में शब्द दिए हैं नौका, तीरे, जलम, जनः, भ्रमंती, आधुनिक युगस्य, समृद्धे, विशाल भवनानि, प्रसन्ना, शांतम, सुंदरम, सागरे। तो सबसे पहले पहला वाक्य बनाना होता है, तो पहला वाक्य हमको क्या कहते हैं, यह चित्र, जिस जो चित्र दिखाई देता है उसको षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको षष्ठी विभक्ति में बदल के कर लेते हैं। अगर षष्ठी विभक्ति में दिया है तब कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिया है तो उसको षष्ठी विभक्ति में कर लेंगे। तो चित्र देख के पहला वाक्य लिखना है, तो
पहला वाक्य, चित्र देख के पीयूष धर द्विवेदी, पीयूष धर द्विवेदी पहला वाक्य बताओ। चित्र देख लो और पहला वाक्य बताओ क्या है। मैं मैं बताऊं? बोल, हाँ चलो कोई भी बच्चा बोल सकता है, कोई भी बच्चा बोल सकता है। एक नौका अस्ति बताओ। नहीं, मैं तुमको पहले ये कौन बोला है? राम नहीं रुको अभी। राम बेटा पहला चित्र बनाना है कि बार कहती हूँ कि पहला चित्र बनाना है कि वाक्य जो चीज का चित्र दिखाई दे रहा है उसको षष्ठी विभक्ति में अगर दिया है षष्ठी विभक्ति में सब तो ठीक है, नहीं तो हम उसको षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट करके करेंगे तो क्या हो जाएगा? इदम चित्रम समुद्रस्य अस्ति। या फिर आधुनिक युगस्य भी दिया है तो हम आधुनिक युगस्य से भी कर सकते हैं, इदम आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति, यह आधुनिक युग का चित्र है क्योंकि बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ है और आधुनिक युगस्य दिया है तो भी कर सकते हैं। या फिर हम अपने से भी अगर सागर क्या सागर नहीं दी सागर सागरे षष्ठी विभक्ति में सप्तमी विभक्ति में सागरे दिया है तो उसको भी हम कन्वर्ट करके कर सकते हैं, सागरस्य चित्रम अस्ति, इदम सागरस्य चित्रम अस्ति। पहला वाक्य जिस चीज का चित्र दिखाई देता है उस चीज को षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट करके बनाते हैं, ये चीज याद रखना है। अच्छा अब दूसरा वाक्य बनाओ। दूसरा वाक्य बोलो। अस्मिन चित्रे एका नौका अस्ति। अस्मिन चित्रे एका नौका अस्ति, हाथी शोभनम, क्योंकि एका इस एका नौका स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए एका नौका का प्रयोग किए हो, एकदम सही है। अस्मिन लिखते भी जाओ बच्चों, बुक में करते भी जाना, अस्मिन चित्रे एका नौका अस्ति। हाँ ठीक है, तीसरा वाक्य बताओ। अस्मिन चित्रे जनाः प्रसन्नानि अस्ति। अस्मिन चित्रे जनाः अस्मिन प्रसन्ना सन्ति, हाँ ये कौन बनाया है वाक्य? अस्मिन चित्रे बाबा जनाः अस्ति। नहीं, ठीक है, जना प्रसन्ना संति, अस्मिन चित्रे जना प्रसन्ना संति, तीसरा वाक्य एकदम सही है, अस्मिन चित्रे जना प्रसन्ना संति। सागर से कठिन नहीं, अभी पहला तीसरा वाक्य हो गया ना, अब चौथा बनाना है, चौथा बनाओ। सागरस्य तटे विशाल भवनानि सन्ति। सागरस्य तटे, हाँ सागर के तट पर तटे विशाल भवनानी, क्या बोली हो फिर? सन्ति हाँ ठीक है, सागर से तटे विशाल भवनानी संति, सागर के तट पर विशाल भवन है, अति शोभनम। चौथा वाक्य भी पूरा हो गया, पांचवा बनाओ। अस्मिन् चित्रे सर्वे जना प्रसन्ना सन्ति। ये प्रसन्ना वाला तो हो चुका, फिर प्रसन्ना को दोबारा नहीं प्रयोग करेंगे, एक बार हम प्रसन्ना का प्रयोग कर चुके हैं ना बेटा, तो एक बार जब हम उस चीज का प्रयोग कर चुके हैं तो उसको दोबारा नहीं करेंगे। हाँ पांचवा वाक्य दूसरा कोई बच्चा बनाओ। बहुत सारे भी शब्द छुटे हुए हैं। अस्मिन् चित्रे सागरे शान्तं सन्ति। अब अस्मिन् चित्र, अस्मिन् चित्रे भवति। अब सागरे सागर में शांत है, अस्मिन् चित्रे सागरस्य जलम शांतम संति अस्ति होता तब समझ में आता, ये तो पूरी तरह गलत वाक्य हो गया। कोई और बनाओ। हाँ सागरस्य जलम अच्छा अस्ति। सागरस्य जलम स्वच्छ अस्ति। सागर का जल, हाँ स्वच्छ है, स्वच्छ शब्द दिया है नहीं दिया है? हाँ और बनाओ, कोशिश करो बेटा। अस्मिन् अस्मिन् चित्रे या अत्र बहवः जना भ्रमन्ति, जना भी है भ्रमन्ति भी है तो हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ बहुत से लोग घूम रहे हैं,
भ्रमंती करके। बेटा चित्र वर्णन में हमको अगर शब्द दिया है उस शब्द का प्रयोग करके या फिर चित्र में कुछ दिखाई दे रहा है तभी वाक्य बना सकते हैं। बस हमको वाक्य शुद्ध होना चाहिए। वाक्य क्या कहते हैं कि वाक्य में कर्ता और क्रिया की आवृत्ति गलत नहीं होना चाहिए, वाक्य पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। अब जैसे इस चित्र में दिया है सुंदरम, सुंदरम शब्द दिया है, तो यदि तुम लिखते चित्रम सुंदरम अस्ति तब नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि सुंदरम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है मंजूषा में और हम लिख देंगे इदम चित्रम सुंदरम अस्ति तो वहां नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। सुंदरम यदि दिया है तभी हम सुंदरम से वाक्य बनाएंगे, नहीं तो हमको नहीं बनाना होगा सुंदरम से। तो इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि अगर है तब प्रयोग करेंगे, नहीं है नहीं प्रयोग करेंगे। और 5 नंबर का तुम्हारे परीक्षा में आता है मंजूषा से शब्द देखकर चित्र वर्णनम, और 5 नंबर का आता है वाक्य प्रयोग, संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में बदलना, वो विभक्ति के अनुसार आएगा। विभक्ति कारक का उसमें प्रयोग होगा, सारे वाक्य विभक्ति और कारक में ही होंगे, बिना विभक्ति कारक के नहीं होगा। इसलिए एकदम ये पेज नंबर 51 वाला चित्र वर्णनम कर लिए बच्चों, मैसेज बॉक्स में लिख के बताओ। सारे बच्चे लिख लिए? पेज नंबर लिख के तुरंत बताओ मैसेज बॉक्स में। सारे बच्चे कर लिए? चलो अब दूसरा वाला पेज नंबर 152, 152 पेज नंबर खोलो। अक्षत पहला वाक्य तुम बनाओ बेटा। चित्र देख के चित्र वर्णनम का पहला वाक्य तुम बनाओ कि क्या होगा पहला वाक्य। अस्मिन् चित्रे हंसो जलं तरति। अक्षत पहला वाक्य मैं बोल रही हूँ, इतनी बार समझा चुकी कि पहला वाक्य जो चीज का चित्र दिखाई दे रहा उसको षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट करके बनाएंगे। कैसे गलती हो जा रहा है? इदं तदेव चित्रमस्ति। क्या बोली है फिर से बोलो। नदी तो पश्य चित्रमस्ति। इदम नद्या तटे, नदी के इदम नद्या तटे, नदी के तट का चित्र है, चित्रमस्ति। इदम नद्या तटे चित्रमस्ति। ये नदे तटे लिखोगी तो गलत हो जाएगा ना। तटे में तो आगे सप्तमी विभक्ति एक वचन, तट में या नदी के तट में चित्र है, तटम चित्रमस्ति। चित्रमस्ति। इदम नद्या तटम चित्रमस्ति, या नदी के तट का तट का, नदी के तट का, नद्या नद्या तटस्य चित्रमस्ति, नदी के तट का चित्र है। इदम नद्या तटस्य चित्रमस्ति, यह नद, अब दोनों को करना पड़ेगा ना षष्ठी विभक्ति में। यह नदी, हिंदी में पहले वाक्य लिखो, यह नदी के तट का चित्र है, यह नदी के तट का चित्र है। यह का संस्कृत हो गया इदम, नदी का संस्कृत हो गया नद्या षष्ठी विभक्ति में, और तट का हो गया तटस्य, चित्रम का चित्रम अस्ति। इदम नद्या तटस्य चित्रम अस्ति। तीर दिया है तो तिरस्य करोगे, तिरस्य चित्रमस्ति। चलो दूसरा, हमेशा याद रखना है कि पहला हमको बताना है कि ये किस चीज का चित्र है, तो उसको सबसे पहले उसको जो भी रहेगा शब्द उसको षष्ठी विभक्ति में बदल लेंगे और उसको वाक्य लिख लेंगे पहले को।
सबसे आसान तरीका है। चलो दूसरा वाक्य इसका। अब इसमें देखो, जो दिख रहा है उसको हम चित्र में, जो मंजूषा में शब्द दिया है उसे प्रयोग करके कर सकते हैं। नद्याः जलं स्वच्छम् अस्ति। नदी, नद्या जलम स्वच्छम अस्ति। हाँ ठीक है, नदी का जल स्वच्छ है। ठीक है, अत्र तत्र आगे लगा लेंगे। अत्र तत्र में से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हैं। अस्मिन् चित्रे अत्र तत्र का प्रयोग कर वाक्य में सुंदरता लाने के लिए हम अत्र तत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अस्मिन् चित्रे का प्रयोग कर सकते हैं। तो अत्र नद्या जलम स्वच्छम अस्ति। हाँ ठीक है, दूसरा वाक्य। दीक्षा, अब दूसरे बच्चे को मौका मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, आप तीसरा वाक्य कोई और बनाओ। तत्र अस्मिन् चित्रे भवनानि सन्ति। भी अस्ति। तत्र भवनानि सन्ति, बहुवा भवनानि सन्ति, बहुत से भवन है। ठीक है, हाँ आगे। अस्मिन् अस्मिन् चित्रे का नौका भी अस्ति। अस्मिन् चित्रे एका नौका अस्ति। हाँ ठीक है, इस चित्र में एक नौका है। बहुत सारे शब्द बना सकते। अस्मिन् चित्रे हंसो जलं तरति। इस चित्र में हंस जल जलम ज आप जलम तरती तो गलत हो गया, कौन बोला है ये? अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में दो हंसों या फिर हंस मतलब हंसों लिख देंगे। अस्मिन् तथा हंसों जले तरती, तरता, हाँ तरता हो जाएगा। जले तरता, जल में तैरते हैं। जलम तो जल को हो जाएगा या जल ने, हमको तो जल में तैरते हैं ना, तो जले तरती तरता द्वौ है, हंसो है, तो तरता हो जाएगा। हाँ आगे और वाक्य बताओ। जलस्य उपरि एका नौका तरति। अस्मिन् चित्रे बहवः जलस्य, जल के ऊपर एक नौ, जलस्य उपरि एका नौका तरति, ये भी है। हाँ ठीक है, और कौन बोला? अंशिका बोली है। यस मैम। हाँ सही है, ठीक है अंशिका, गुड। और एक और बताओ, अभी तो चित्र में अभी बहुत सारे शब्द भी दिए हैं, और बोलो कोई और बच्चा। अस्मिन् चित्रे तव इच्छा स्तः। ये कौन उत्तर दिया? मैम शिवांशी। श्रंशी, हाँ एकदम। इतने दिन से कहाँ गायब हो गई थी? एकदम बहुत अच्छा उत्तर है। हाँ ऑनलाइन पे थे। थैंक अच्छा ठीक है, हाँ सही बोली हो। यू। हाँ एकदम सही उत्तर है। तो तुम लोग चित्र वर्णनम में अब कोई दिक्कत होगा एग्जाम परीक्षा में करने में, अगर मैसेज बॉक्स में लिख के बताना। यस मैम। वाक्य रचना ठीक है, चित्र वर्णन में दिक्कत नहीं है। वाक्य रचना में जो हिंदी से संस्कृत में करना होगा उसके लिए विभक्ति कारक चिन्ह पहले याद कर लो। विभक्ति कारक चिन्ह अभी जो बताए हैं, कर्ता के अनुसार क्रिया की आवृत्ति, कर्ता जितने हैं वो याद कर लो। और हमेशा याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति के जो भी रूप हम लिखते हैं वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो जाता है। ये कुछ चीजें याद, आज अभी घर में सबसे पहले क्लास खत्म हो जाता है तो आज का यही होमवर्क है, गृह कार्य है, कि जितने कर्ता अच्छे से याद कर लेना। सबका मैं अर्थ भी लिखवा दी हूँ, और कर्ता के अनुसार विभक्ति वाले अपने से वाक्य, 10 वाक्य बनाओगे, 10 हिंदी में विभक्ति वाले जो आम बोलचाल की भाषा में है। शब्द, हमें सुबह उठना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, विद्यालय समय से जाना चाहिए,
इस प्रकार के जो हम रोज शब्दों का प्रयोग करते हैं उन 10 वाक्य हिंदी में लिखोगे और उस हिंदी वाक्य का संस्कृत में परिवर्तित करोगे। इसे विभक्ति के अनुसार होना चाहिए, ये नहीं कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्य नहीं, क्योंकि तुम लोग अब 8th क्लास में हो, थोड़े लंबे और विभक्ति के साथ, जैसे भी मैं बताई हूँ। मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, मैं समय से पढ़ता हूँ, रमेश का भाई खाना खाता है, मैं अपने से बड़ों का आदर करता हूँ। इस प्रकार के वाक्य 10 लिखना है और उसका संस्कृत में, आज का ये गृह कार्य है, 10 वाक्य लिखोगे, उसका संस्कृत में कन्वर्ट करोगे और देखोगे कि हमेशा याद रखना है कि कर्ता के अनुसार, कहीं कहीं जब कर्ता क्लियर नहीं होता है, जैसे अभी तुम लोग को एक वाक्य बताई थी, हमारे विद्यालय में सुबह में प्रार्थना होता है, यहाँ कर्ता क्लियर नहीं था, हमारे का अस्माकम हो गया, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, विद्यालय में विद्यालय सप्तमी विभक्ति एक वचन, सुबह में प्रातः काले सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रार्थना का प्रार्थना। तो जहां कर्ता क्लियर नहीं होता है वहां प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया करते हैं। अगर जिस लकार का होता है क्रिया, जिस लकार का क्रिया होता है उसी लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, जैसे यहाँ होता है वर्तमान काल है, लट लकार का है, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया का प्रयोग करेंगे। जहां कर्ता स्पष्ट नहीं है, कर्ता यानी कि किसी भी काम को करने वाला, यदि जहां कर्ता नहीं स्पष्ट है वहां प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया का करेंगे, जिस जिस लकार में क्रिया हो, पांचों लकार में से किसी भी लकार में हो सकता है। तो कर्ता एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। आज अभी बैठ के क्लास खत्म हो जाता है तो उसको अच्छे से याद करोगे और याद करने के बाद उसको अभ्यास करोगे, तभी परीक्षा में अच्छे से लिख पाओगे, वाक्य बना लोगे। कोई भी वाक्य दिया रहेगा, कठिन से कठिन वाक्य होगा, आसान से कर लोगे। नमिता, हमको बताओ नमिता, मैं अभी कर्ता दिखाई हूं तो कौन कौन से कर्ता होते हैं? नमिता पंडा, नमिता सुन नहीं रही हो क्या बेटा? जैसे बच्चों से पूछना शुरू करो, कुछ बच्चे तुरंत लेफ्ट होते हैं। बेटा ये तुम लोगों से पूछ रही हूँ तो तुम ही लोगों का पढ़ा रही हूँ, पूछूंगी तो तुम ही लोग को समझ में आएगा, नहीं आएगा तो तुम ही लोग को दिक्कत होगा। संचिता कर्ता सारे बताओ बेटा। कर्ता नहीं, कर्म को करते नहीं, मैं हैं विभक्ति कार्य को विभक्ति करण को कार बेटा क्रिया सुन सुन करण सुन सुन बेटा, विभक्ति कारक चिन्ह नहीं पूछ रही हूँ, कर्ता अभी बताई हूँ कौन कौन से कर्ता हैं। प्रथम पुरुष में सत्ता होते, हाँ इसका मतलब स का मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, से का मतलब इस सब, मध्यम पुरुष त्वम युवाम जुयम, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, जुयम का मतलब तुम सब, उत्तम पुरुष अहम अवाम जुवाम, अहम अहम आवाम मतलब मैं, वयम, अवाम मतलब हम, जुवाम मतलब हम सब। युवा नहीं बेटा, अहम आवाम वयम, वयम माने हम सब। हाँ ठीक है, एकदम रट ली है, फटाक से उत्तर दे दी। अच्छा रिया, अरे अंशिका बेटा, यस मैम, अंशिका बेटा ये बताओ प्रथम पुरुष के कितने कर्ता होते हैं? अंशिका बेटा, हम सहता होते और क्या सहते ही होते हैं कि और भी होते हैं? अरे मैं अभी अंशिका से पूछ रही ना, हूँ होते हैं, कौन और कौन से, जैसे बताओ। जैसे तो
पठती पठता पठंती अरे बेटा ये मस्तक तो लट लटका। नहीं बेटा, ये क्रिया ना हो गया, ये तो क्रिया हो गया, मैं कर्ता पूछ रही हूँ। हम और होते हैं पर अभी याद नहीं आ रहा है। मैं बताऊं, हाँ कोमल बताओ बेटा। मैम प्रथम पुरुष में बहुत सारे मैम पूरे रहते हैं, जैसे सर दौते बालका बालको बालका छात्रा छात्रो छात्र छात्री, मैम बहुत सारे होते हैं। अंशिका बेटा कोमल सही कह रही है, प्रथम पुरुष का कर्ता अनंत है। जो भी हम प्रथमा विभक्ति में रूप लिखते हैं, जितने रूप लिखते हैं प्रथमा विभक्ति में, वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो जाता है। अस्मद और युष्मद को छोड़ के, अस्मद और युष्मद को छोड़ के, अस्मद और युष्मद का जो प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं वो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता हो जाता है। उसके अतिरिक्त जितने भी रूप होते हैं वो प्रथम पुरुष का, जो भी प्रथमा विभक्ति में जो भी रूप लिखते हैं वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो जाता है। ये हमेशा अंशिका याद रखना बेटा, दिमाग ये नहीं कि अभी याद नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, उसको ये याद रख लेना है कि प्रथम पुरुष के कर्ता अनंत है। अनंत माने बहुत सारे, जो भी हम प्रथमा विभक्ति में रूप लिखते हैं वो प्रथम पुरुष का कर्ता है। अभी कोई कंफ्यूजन किसी को? नो मैम, रिया, अरे अंशिका, मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो मैम, सबका फंडा क्लियर हो नो मैम, गया? अच्छा ठीक है, अभी अब मैं ये देखती हूँ कि मैं छोटा ही अभी वाक्य बोलूंगी, तुम लोग को बताना होगा। बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, संचिता नहीं बोलेगी, दीक्षा नहीं बोलेगी, ये दो बच्चे नहीं उत्तर देंगे, उसके अतिरिक्त कोई भी दे सकते हैं। बच्चे खेलते हैं, बाल बच्चा मीन कौन उत्तर दिया है? अरे बालका क्रीडन्ति। बालका क्रीडंती, ये कौन बोला है बालका क्रीडंती? मैम अपना अपर्णा, ठीक है अपर्णा सही है उत्तर। अच्छा अभी दूसरा प्रश्न कर रही हूं, वे दो बच्चे, वे दो बच्चे खेलते हैं, वे दो बच्चे खेलते हैं। बालका क्रीडंती, इवाम बालका क्रीडंती कौन बोला? कौन बालका क्रीडंती, बोला? मैम हाँ हम नाम अपर्णा सिंह, अपर्णा, एकदम गलत। कोई और बच्चा बोलो। वे दो बच्चे खेलते हैं। बालको क्रीडता, बालको क्रीडता, लेकिन वे दो का संस्कृत क्या होगा? तो बालका क्रीडता, तो बालको क्रीडतः, वे दो का संस्कृत हो गया तो, और वे दो बच्चे यानी कि दो बच्चों का बोध हो रहा है तो बालको, और कर्ता के अनुसार क्रिया दो है, द्विवचन में है तो क्रीडतः, वे दो बच्चे खेलते हैं तो बालको क्रीडतः। अब मैं बोल रही हूँ वे सब बच्चे हंसते हैं, वे सब बच्चे हंसते हैं, वे सब ते बालका हसंती, ते ते बालका बालका, ते ते बा बालका हसंती, हाँ बालका हसंती, ते बालका, हाँ ते बालका हसंती, ते वे ते ते हो गया, वे हाँ
वे सबके लिए हाँ बालक संति। हाँ ठीक है बच्चों, अभी अब सारे बच्चे कर्ता और क्रिया की आवृत्ति अच्छे से पढ़ लेना और 10 वाक्य बनाना है। सारे बच्चे अगला क्लास होगा तो 10 वाक्य मुझे वो दिखाएंगे, बताएंगे, अपना अपना वाक्य बताएंगे मुझे। सुनाई दिया सारे बच्चों को? ठीक है यस बच्चों, यस ओके मैम, बेटा, यस मैम, यस मैम, थैंक ओके, यू मैम, थैंक यू मैम, यू मैम, थैंक अध्यापिका, यू मैम, धन्यवाद अध्यापिका, थैंक यू, धन्यवाद अध्यापिका, थैंक यू मैम। तनी,